ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत और निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली से हमारे वकील ने हमें बताया कि कोर्ट ने चुनाव कराने को कहा है। दो हफ्ते का समय अधिसूचना जारी करने के लिए काफी है। हम आज ही अधिसूचना जारी कर सकते हैं। हम तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, अब फैसले की कॉपी का इंतजार है जो हमारे पास अभी नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम पालन करेंगे, बाद में रिव्यू पेटिशन में जो फैसला आएगा फिर उसका पालन करेंगे। हाँ, जितने भी हमारे लोकल बॉडीज हैं उनके चुनाव के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश जारी किया है कि दो सप्ताह के अंदर इलेक्शन कमीशन अपना इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी करे। हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम दो हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर अभी हमने देखा नहीं है, हमारे पास उतनी ही जानकारी है जितनी हमारे वकील ने हमें कोर्ट से फ़ोन करके बताया है, तो बड़ी संक्षिप्त सी जानकारी है। लेकिन जितनी जानकारी प्राप्त हुई है उससे ये तो स्पष्ट हुआ है कि चुनाव का डिक्लेरेशन किया जाना है दो हफ्ते के अंदर, और अगर कोई डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन, ये चीज़ें पेंडिंग हैं गवर्नमेंट के लेवल पर तो उसके लिए वेट नहीं करना है। हमारे यहाँ डिलिमिटेशन पेंडिंग नहीं है, अर्बन बॉडी और पंचायत दोनों के डिलिमिटेशन हो चुके हैं। रिजर्वेशन अर्बन बॉडी के हुए थे जो चैलेंज हुए, फिर अध्यादेश वापस हुआ, वो सब बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस समय 5 साल पूरे हुए थे उस समय जो आरक्षण था उसे मान करके आप इलेक्शन करिए, उसके लिए इलेक्शन रोकिए मत अगर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर थोड़ी सी डिले है तो इस हिसाब से हम अपना इलेक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। पंचायतों में आरक्षण होना बाकी है, जो हम राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो समय सीमा में उसे पूरा कर दें। अगर वो समय सीमा में उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर कोर्ट के आदेश के अनुसार जो पिछला आरक्षण था उसके आधार पर हम चुनाव करा देंगे। ठीक सर, थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।